भाई आप कुआं के मेंढक हैं, आपको कुछ नहीं पता है। इसराइल एक ऐसा देश है ना जिसके हर एक नागरिकों को सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके हर एक नागरिक को बंदूक चलाना आता है, तोप चलाना आता है, ग्रेनेड चलाना आता है। यही नतीजा है कि इसराइल जैसा छोटा देश 6 दिन में पूरे अरब देशों वालों को हरा दिया था, क्योंकि वो अपने देश वालों को पूरा सच्चा सिपाही बनाना चाहता है। और हम लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर हमको ग्रेनेड सिखा रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं। अरे भैया तो तुम वही पढ़ो, अली बेद ते अब पठती पठत पठावा अब बा बा ब्लैक सीट। हमारे देश का हर एक बच्चा सिपाही होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है ना दोनों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इधर चाइना एक और पाकिस्तान एक और चाइना। क्योंकि आने वाले समय में जब कभी युद्ध हो तो पूरी दुनिया देखे कि किस तरह भारत का बच्चा बच्चा मारा था चाइना और पाकिस्तान को। लाहौर तक दौड़ा के मारो उसको, वहां बीजिंग तक कैसे मारिएगा, बनाने आता है ये रहेगा तब तो मारिएगा। यहां पर हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा बच्चा देश के प्रति सोचे, और जब देश की जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं है कि केवल फौजी जाके वहां शहादत देंगे अपना। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जब यह बात लिखी जाएगी कि जब पाकिस्तान और ने एक साथ भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की महिलाओं ने घर में बारूद बनाया था और अपने भाइयों को दिया था, माथे पर विजय तिलक लगा के मां ने बोला था कि सीने पे गोली खा के आना, पीठ पे गोली खाओगे तो तुम्हें मैं बख्शूंगी नहीं, अपना बेटा कहने से इनकार कर दूंगी, आएगा तब ना। क्या इस देश को बचाने की जिम्मेदारी केवल 13 लाख सिपाहियों की है? हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है यहां पर? आप कहते हैं कि हम आपको भाई ये आप जानिए, आप कुआं के मेंढक हैं, आपको नहीं पता है। हम बस यही चाहते हैं कि जब चाइना और पाकिस्तान यहां हमला करें तो उनको पता चले कि ससुरा हमको लगता था 13 लाख फौजी है, यहां का 130 करोड़ जनता फौजी है। आप भले हमें आतंकवादी कह लीजिए लेकिन मेरा देश आगे रहना चाहिए। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूं। सॉरी आप लोग बुरा मत मानिएगा यार, कुछ कुछ लड़के ऐसा कमेंट कर देता है ऐसे कि हम आपको आतंकवादी बनाना चाहते हैं। हम काय को बनाना चाहेंगे, पढ़ा लिखा आदमी सब चीज का समझदार होता है। अब्दुल कलाम ने भी क्या कहा था कि बड़ी मिसाइलें शोपीस बन के रह जाती हैं, युद्ध में हमेशा छोटे हथियार काम आते हैं। तो आप क्या करिएगा, हम लोग तो बचपन में बड़ी शौक था हम लोग को भी कि हम लोग फौज में जाएंगे, एनडीए से हमको छांट दिया, मेरा हाथ टेढ़ा है यहां पर।